गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर कंप्यूटर क्लास। द टॉपिक इज सेकेंड जनरेशन। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल दिए थे, जैसे कि मैंने बताया था मार्क फर्स्ट, उसके बाद मैंने बताया था इनायक, उसके बाद मैंने बताया था एडसैक, एडवैक, यूनिवैक फर्स्ट। ये सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे। नाउ टुडेज टॉपिक इज सेकेंड जनरेशन। आइए देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे सेकेंड जनरेशन में स्टूडेंट्स डेट क्या है। ये 1959 से 1964 का टाइम होता है, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। इसमें टेक्नोलॉजी यूज थी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक ऐसी छोटी सी चिप टाइप की डिवाइस है, जो सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, अब तो स्मार्टफोन में या कह सकते हो रेडियो में, सब चीज़ों में यूज़ होने लगा है। और जैसे कि सेकेंड जनरेशन है, तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा अच्छा था। मतलब ये फास्टर भी था, साइज़ में भी छोटे हो गए थे कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का यूज़ होने से। सेकेंड जनरेशन में मोर रिलायबल था, जो कि फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा भरोसेमंद था। ठीक है, और अगर हम बात करें बहुत सारे कंपोनेंट्स की, तो इसमें प्रिंटर, मेमोरी, स्टोरेज डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ हुए थे इस मॉडर्न कंप्यूटर। मतलब उस टाइम में ये एक मॉडर्न कंप्यूटर था, जिसमें हमें प्रिंटर, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ हो गया था इस मॉडर्न कंप्यूटर में। तो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब हटाकर यहाँ पर यूज़ हो गया ट्रांजिस्टर, और इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल यूज़ में आने लगे थे, और इसमें प्रोग्राम बहुत आसानी से हो जाता था। और कौन कौन से प्रोग्रामिंग यूज़ होती थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, कोबोल, फॉर्ट्रान, ठीक है, ये दो प्रोग्रामिंग यूज़ होती थी। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर थे, IBM और RCA, ये दो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे। ओके ओके, नाउ आइए देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, सबसे पहले हम इसमें डेट के बारे में जानते हैं। थर्ड जनरेशन में क्या होते हैं, 1964 से 1970 तक। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट IC। IC का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, अक्सर कभी मोबाइल वोबाइल ख़राब हो जाता था, स्मार्टफोन, तो अक्सर रिपेयर करने वाले लोग ये कहते थे IC प्रॉब्लम है, IC की वजह से कंप्यूटर आपका मोबाइल हीट कर रहा है। तो IC की ऐसी डिवाइस है, ऐसी चिप है, जो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़, ज़्यादा फास्ट और साइज़ में भी छोटे निकले। इसमें IC का यूज़ हुआ, और इसमें न्यू इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे स्कैनर, MICR, ये सारे यूज़ हो गए थे। और इसमें अच्छी बात ये थी कि थर्ड जनरेशन में लार्ज मेमोरी का यूज़ हुआ था, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ ही साथ इसमें यूज़ होते थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले ही यूज़ नहीं होते थे, इसके साथ बहुत सारे प्रोग्राम भी एक साथ यूज़ होते थे, ठीक है। और इस तरह से ये जनरल पर्पस के लिए हो गया था। पहले क्या होता था कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो साइंटिफिक इंजीनियरिंग में यूज़ होते थे, लेकिन अब ये जनरल पर्पस हो गया था, इसमें साइंटिफिक कॉमर्शियल यूज़ दोनों काम में आने लगे थे। और इस तरह से इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल हुआ जो इनपुट देने के लिए, मॉनिटर का इस्तेमाल हुआ था आउटपुट के लिए। इसका मतलब थर्ड जनरेशन में हमारा कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल होने लगा था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। बच्चों, अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से अब तक है, मतलब इसका मतलब कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो कौन जनरेशन का है, फोर्थ जनरेशन का है। यही हमारे प्रेजेंट डे में चल रहा है। कब से चल रहा था, 1971 से
चल रहा था, ठीक है। और इसमें फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारा इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर और अ काइंड ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। एंड दैट हैज़ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द CPU हैव ए सिंगल चिप, जितने भी कंपोनेंट थे CPU के वो एक सिंगल चिप में थे, और जिसके वजह से ये बहुत फास्ट भी होते थे। फास्ट होने के साथ साथ ये सभी पार्ट्स को अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता था, साइज़ भी छोटे हो गए थे उस कंप्यूटर के, और एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। और हाई कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज कैपेसिटी दोनों इसमें थे। और साथ ही साथ इसमें ये देखा गया है कि ये नेटवर्क में एक साथ जोड़े जा सकते थे, जिससे कि सभी इंफॉर्मेशन डेटा शेयर होते थे। इसलिए 4th generation कंप्यूटर में नेटवर्किंग फीचर्स भी थी, फास्ट साइज में छोटे थे, स्पीड में ज़्यादा अच्छे थे, जिसके और यही हम आजकल जो भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं यही है 4th generation कंप्यूटर का है। जिसमें सबसे पहले एग्जांपल IBM कंपनी का आता है, पेंटियम सीरीज, जितने भी पेंटियम सीरीज हैं P1 P2 P3 P4 मतलब ये सब इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी के प्रोसेसर के वर्जन्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 5th generation कंप्यूटर। और 5th generation कंप्यूटर स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उस टेक्नोलॉजी का नाम आप लोग याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर बात फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी रोबोट आजकल डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे ही बन रहे हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रोबोट को तैयार कर रहे हैं, जिससे कि उनसे हम खाली बातचीत करके ही उनसे हम अपना काम ले सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो इनके जो भी एप्लीकेशन है, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर्स, मतलब वॉइस को पहचान सकते थे, जैसे आप गूगल ही एक तरह से देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। जब आप कोई मुंह से बोलते हो आपकी वॉइस पहचान कर वो कंटेंट को वो टाइप करके आपके सामने उसका सर्च रिजल्ट दिखाता है, ओके। इस तरह से ये देखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर होते हैं, जो एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फीचर्स होते हैं वो डेवलप कर देता है। और 5th generation कंप्यूटर्स में नेचुरल लैंग्वेज का ही यूज़ हुआ है, जो भी नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश हो, मतलब ये कह सकते हैं कि 5th generation कंप्यूटर में ये कैपेबिलिटी देखी गई कि वो नेचुरल लैंग्वेज जो भी आप टाइप करते हैं इंग्लिश में हिंदी में उसको वो एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दे सकता है और आउटपुट दे सकता है, ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने 1st generation 2nd generation 3rd generation कंप्यूटर के बारे में सीखा, लर्न किया। अब हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, अब हम एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है 1st generation 2nd generation 3rd generation। आप लोग एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए। 1st generation कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, 2nd generation में ट्रांजिस्टर का, 3rd generation में इंटीग्रेटेड सर्किट का, और 4th generation माइक्रो प्रोसेसर, यही तो हम यूज़ कर रहे हैं, यही कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो होगी प्रोसेसर की बात, आइए हम देखते हैं इनपुट डिवाइस की बात। तो 1st generation में 5 कार्ड इनपुट डिवाइस यूज होता था, 2nd generation में भी 5 कार्ड यूज़ होता था, 3rd generation में कीबोर्ड आया था। कीबोर्ड कब आया था? 3rd generation में आया था, ये आपको याद रखना है, कीबोर्ड आपका 3rd generation में आया था और इस तरह से कीबोर्ड आ गया था, ठीक है। फिर मेमोरी की बात करते हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक ड्रम था 1st generation में, और 2nd generation में मैग्नेटिक टेप था,
और थर्ड जनरेशन मैग्नेटिक डिस्क आ गया था और फोर्थ जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क आ गया था। लैंग्वेज की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था और सेकेंड जनरेशन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों यूज़ होता था और थर्ड जनरेशन में हमारा हाई लेवल प्रोग्राम यूज़ होता था और अब फोर्थ जनरेशन में हम हाई लेवल प्रोग्राम यूज़ होता भी था और होता भी है। अगर साइज़ की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में बहुत बड़े साइज़ होते थे, सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन थोड़े छोटे होते थे लेकिन फिर भी बड़े होते थे और थर्ड जनरेशन में क्या होता था, सेकेंड जनरेशन से छोटे होते थे और फोर्थ जनरेशन तो आप देख ही नहीं कैसे दिखता है जो आप यूज़ करते हैं। स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्लो होता था बहुत ज़्यादा, सेकेंड वाला थोड़ा तेज़ हुआ था तो लेकिन वो भी स्लो माना गया और थर्ड जनरेशन फास्ट हो गया और फोर्थ जनरेशन हमारा फास्ट होता चला गया। खर्च की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, सेकेंड जनरेशन जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन तो थोड़ा सस्ते होते थे लेकिन फिर भी महंगे होते थे और थर्ड जनरेशन वाला जो कंप्यूटर था वो सेकेंड जनरेशन से थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं था, थोड़ा सा हल्का सस्ता ही था लेकिन फिर भी महंगा ही होता। ठीक है, सबसे सस्ता कंप्यूटर तो हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का, जिसको हम हर घर में हर जगह पाया जाता है। एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आप इनायक मार्क फर्स्ट बहुत सारे एग्जांपल थे, इनायक का नाम आ गया। सेकंड जनरेशन में IBM 1620 आ गया और थर्ड जनरेशन में IBM 360 आ गया था और फोर्थ जनरेशन में यही हमारा जो कंप्यूटर है जो हम देख रहे हैं ये पेंटियम 4 आ गया। इस तरह से हमने क्या देखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन में क्या क्या कंप्यूटर थे। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन के बाद मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, इसलिए वो साइंटिफिक और इंजीनियर वर्क में इस्तेमाल हो रहा है। अभी वो जनरल पर्पज़ के लिए या कॉमर्शियल यूज़ के लिए अभी पूरे वर्ल्ड में इस तरह से फैला नहीं है, ये है बट अभी हम लोगों के लिए, इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं है। फिर भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो रोबोट के फॉर्म में हमारे सामने है। ओके?